Hello friends, we are back again with another lesson which is Into the Wild by Kiran Purandare. Kiran Purandare का जो भी हम कह सकते हैं जंगल की जो भी सफारी थी उसका उन्होंने यहाँ पे एक भाग निकाल के दिया हुआ है. उनकी किताब सखा नागजीरा इससे ये लिया गया है. तो अभी हम क्या करेंगे कि पहले ये लेसन आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ के उसका हिंदी में आप कह सकते हैं अनुवाद करके बताते हैं. तो लेसन की शुरुआत करते हैं पार्ट वन विच इज लॉस्ट इन द जंगल. The 8.5 hour long day inside the hide was as fruitful as the zamba tree standing tall on the edge of Umarzara. Before wrapping up my day at this natural water hole, I took entries of the avifauna in my field notes. Since I was alone, I rushed to Pitezari village where I was stationed. I camouflaged the hide, took my essentials, came out of the hide and stretched out to my heart's content. I lifted my camera bag and took the familiar trail to Pitezari, negotiating the webbed leaves of teakwood and moha trees, trying to make minimal sound. I was treading cautiously among the woods. Walking alone in a jungle needs more alertness than walking with a companion. I was alone here like a fox, following the trail silently, watching with wide open eyes. My ears were grasping a variety of sounds. Just when a familiar sound stunned me. तो लेखक जो है वो 8.5 घंटे उस छुपने वाली जगह पे बैठा था और उसका वहां पे छुपना उतना ही फलदायक था जितना उमरजरा के तट पर खड़ा वो जंबा का पेड़. शायद लेखक को जो चाहिए था वो वहां उसे नहीं मिला या उसका मकसद वहां पे पूरा नहीं हुआ, ऐसा वो कहने की कोशिश करते हैं. तो जल विवर में से अपना सामान समेटने से पहले मैंने, अब ये जल विवर का मतलब क्या होता है कि एक प्राकृतिक पानी से भरा हुआ खड्डा, तो वहां पे उसने लेखक ने अपना जो सामान था वो पूरा रखा हुआ होगा. तो वहां से अपना सामान समेटने से पहले पक्षियों की जानकारी मैंने एक जो आप कह सकते किताब होती जिसमें लिखा जाता है उसमें लिख लिया. चूंकि मैं अकेला था, मैं पितेजारी गाँव की ओर जहां मैं ठहरा था निकल पड़ा. मैंने उस छुपने की जगह को पत्तों से ढक दिया. कैमोफ्लेज का मतलब होता है कि उसको वापस उसी नैसर्गिक रूप में लेके आना कि पता न चले कि यहाँ पे कोई तो भी चीज रखी हुई है. मेरा जरूरी सामान लेकर वहां से बाहर निकल गया. हाथ पैर तो वहां पे बैठ बैठ के अकड़ गए थे, तो उसे खींच कर लंबा कर कैमरे की बैग लेकर हर रोज की राह ले पितेजारी की ओर निकल पड़ा. मैं मोहा और सागवान के पत्तों से बिना आवाज किए या कम से कम आवाज किए सावधानी से जंगल से अपना रास्ता बना रहा था. जंगल में अकेले चलते समय बहुत होशियार रहना पड़ता है. मैं लोमड़ी के जैसे, अब लोमड़ी कैसी होती है, बहुत चालाक होती है, उसके जैसे आगे बढ़ रहा था. मतलब आपको वहां पे बहुत सावधानी से आगे बढ़ना था. जंगल में पगडंडी रास्ते पर आंख और कान चौकन्ने रख मैं जा रहा था कि अचानक एक जानी पहचानी आवाज से मैं हैरान हो गया और मैं वहीं पे रुक गया. क्वैक क्वैक क्वैक, इट वॉज अ लंगूर अलार्म कॉल. द लीडर ऑफ द गैंग ऑफ द लंगूर्स वॉज सिटिंग ऑन द टॉल ट्री मेकिंग अलार्म कॉल्स आउट ऑफ फियर फॉर लाइफ. तो ये देखिए यहाँ पे आवाज आती है क्वैक 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 करके. तो ये एक्चुअल में क्या था, वो एक खतरे का संकेत था जो लंगूर दे रहा था. और वो कहाँ बैठा हुआ था, एक बड़ी ऊंची जो पेड़ था उसके ऊपर अपने जीवन का आप कह सकते कि डर के मारे वो वहां पे ऊपर चढ़ के ये अलार्म दे रहा था. रेस्ट ऑफ द लंगूर ब्रिगेड कंटिन्यूड रेजिंग द अलार्म कॉल्स. द नेटवर्क ऑफ अलार्म कॉल्स वॉज एक्सपैंडिंग इट्स रेंज एज द पेट्रीफाइड लंगूर स्पीडेड टू द ट्रीज नियर एंड फार एंड सिक्योर्ड देयर प्लेसेस ऑन द ट्री टॉप्स. All this upheaval was created by only one animal's presence, a leopard. Many animals make alarm calls when they see a predator, tiger or leopard nearby. The langur is most reliable when it comes to finding clues about the presence of the apex predators in the jungle. The mighty elusive leopard of Umarzara was out of its lair. He was on the prowl. The stealthily moving figure in spotted gold black cloak was spied by these langurs. Even the small ones from the legion of langurs were giving alarm clocks chuck chuck. तो अपना जो हम कह सकते लीडर था लंगूर का, उसकी देखा देखी
उसको देखकर बाकी के लंगूर भी आवाज बढ़ाने लग गए, मतलब डरे हुए लंगूर पेड़ की चोटी पर फटाफट चढ़ने लग गए। यह उथल पुथल एक जानवर के कारण हुई थी और वह था एक चीता। बहुत सारे जानवर इस तरह के संकेत देते हैं, जब वे भक्षक को अपने सामने या अपने करीब आते हुए देखते हैं, भक्षक मतलब जो उनको खाते हैं, जैसे शेर या चीता। लंगूर के आप ऊपर ज्यादा विश्वास कर सकते हैं क्योंकि वो जो चेतावनी देता है वो ज्यादा रिलायबल रहती है, उसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है। महाकाय चालाक उम्बर जरा का चीता अपनी गुहा से बाहर निकालकर शिकार की खोज में घूम रहा था। देखिए उस ये जो लेयर है, लेयर का मतलब होता है उसकी गुहा जो है, जहां पे वो छुपा हुआ था, गुफा जो होती है जिसमें वो छुपा रहता है, वहां से वो बाहर निकला हुआ था। द स्टिल थिली मूविंग फिगर इज स्पॉटेड, मतलब वो जैसे चल रहा था तो उसके सुनहरे काले रंग से लिपटी हुई उस आकृति को जैसे मानो लंगूर ने देख लिया था और इसीलिए वो इतनी जोर जोर से खतरे के संकेत दे रहे थे। छोटे लंगूर भी खतरे के संकेत दे रहे थे च्वैक च्वैक करके। आई स्टेड पुट, गैंग द लीडर लंगूर्स टारगेट साइट एंड स्कैन द एरिया विजुअली, टुक सम स्टेप्स, स्टॉप्ड अगेन। अ फ्रेश कैट वाज लाइंग बिफोर मी ऑन द ट्रेल, द ब्लूइश पर्पल फ्लाइज वर होवरिंग ओवर इट। आई वाज श्योर दैट द लेपर्ड वाज समवेयर नियर, द डिस्टेंट अलार्म call of four-horn antelope was adding to the chaos. I barely walked around 15 meters and stopped. I had apparently entered in the sanctum sanctorum of a miracle called leopard. But the big cat was not visible. It is an elusive animal. The surroundings were reminding me that I was all alone time and again. As I moved forward on the trail to Pitezari, the fading alarm calls were still heard in the background. I could tell instinctively that the leopard had moved away. तो अभी लेखक जो है वो वहीं पे ठिठक जाता है, तो वो कहते मैं ठिठक गया, लंगूर की नजर से अनुमान लगाकर मैंने वह जगह पूरी तरह से मानो छान लियो, देख लियो आंखों से। थोड़ी आगे बढ़ा पर वापस रुक गया। वहां राह पर मेरे सामने गोबर पड़ा था और उस पर नीली या बैंगनी मक्खियां भिनभिना रही थी, तो मुझे विश्वास हो गया कि चीता पास में ही है। दूर हिरन के खतरे की आवाज और गड़बड़ी पैदा कर रही थी। मैं कुछ 15 मीटर चला और फिर रुका। मैं प्रत्यक्ष रूप से उस चीता के निजी कक्ष में घुस गया था, जहां पे लग रहा था कि यहाँ पे चीता हो सकता है, उस एरिया में लेखक गया, पर वह वहां नहीं दिख रहा था। मानो यह मानवी मान मतलब आप कह सकते ना, यह मायावी सा जानवर है जो कभी दिख रहा है कभी नहीं दिख रहा है। वहां का वातावरण इस बात को उसे मजबूर कर रहा था लेखक को कि भाई आप अकेले हो, जरा सावधानी से आगे बढ़ो। और जैसे जैसे लेखक पगडंडी से पिज्जरी की ओर बढ़ा, खतरे की आवाज धीमी होती गई, तो स्वाभाविक था कि चीता मानो वहां से चले गया होगा। मीनवाइल आई सॉ अ मैन स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस विद अ स्टिक इन हिज हैंड। एज आई अप्रोच्ड ही अपीयर्ड स्पूक्ड ड्यू टू अलार्म कॉल्स ऑफ द लेपर्ड। वी ग्रीटेड ईच अदर। ही वाज राजू इस्कापे फ्रॉम पिटजारी। He had come to collect logs but retreated due to the leopard's movement. Raju was amazed at my regular solitary visits to Umbarzara, the haven for tigers, leopards and sloth bears. We stopped under a kusum tree to take a break. We both felt a bit relaxed. To abhi kya ho gaya? To is dauran kuch dur ek insaan haath mein laathi liye mujhe dikhai diya, aisa lekhak kehte hain. Jaise main uske kareeb gaya, वो मुझे चीता के कारण डरा हुआ दिखा। फिर एक दूसरे से बातचीत हुई तो पता चला कि वो राजू इस्कापे था, पिज्जरी गांव का, जो लकड़ी लेने आया था, पर चीता के होने के कारण उसने अपना जो आप कह सकते निर्णय था वो बदल दिया, वो लकड़ी लेने आगे नहीं बढ़ा। राजू भी चकित था जब उसे पता चला कि मैं मतलब लेखक बार बार उस उम्बरजरा में शेर और चीता को ढूंढने जाता है, और वो उम्बरजरा का वो जो आप कह सकते हैं जो फॉरेस्ट है, जो जंगल है, वहां पे शेर चीता और भालू मानो बहुत ज्यादा मात्रा में, बहुत ज्यादा नंबर्स में, बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। तो हमने थोड़ा वहां पे आराम किया, एक पेड़ के नीचे रुक गए। अब आगे, नाउ वी वर फोर आईज फोर हैंड्स विद अ स्टिक, देन वी बोथ रिज्यूम्ड अवर वॉकिंग टूर। अब इनके पास देखिए चार आंखें हो गई। चार आंखें मतलब क्या हो गई? दो लेखक की और दो उस राजू की, ऐसे कुल मिला के चार आंखें, मतलब इनके पास जो आप कह सकते हैं ना
बहुत ज्यादा उनके पास अभी आप कह सकते सावधानी से वो आगे बढ़ रहे थे, उनके पास चार हाथ थे, दो हाथ जो कर सकते उससे चार हाथ ज्यादा काम कर सकते, तो कहते कि अब हमारे पास चार आंखें चार हाथ थे और एक लठ भी थी, अभी उन दोनों ने आगे बढ़ना शुरू कर दिया। देयर वॉज वन टाइनी ट्रैक दैट ब्रोक आउट ऑफ द मेन ट्रेल, आई विल टेक दिस रूट, यू गो स्ट्रेट, सेड राजू एंड टर्न राइट, आई केप्ट वॉकिंग स्ट्रेट अंटिल आई क्लाइम्ड अ फेमिलियर हिलॉक। तो दोनों ने क्या किया, अभी आगे बढ़ना शुरू किया, पर वो जो मेन रोड था, जो मेन पगडंडी थी, उसके वहां पे दो आगे अलग अलग रास्ते निकल आए। तो राजू बोला कि मैं राइट की ओर, मतलब मैं राइट हैंड को जाता हूँ, आप सीधे जाइए। तो लेले के खक बोलता है कि मैं उसके ऊपर चलता गया जब तक मुझे एक सामने टेकड़ी नहीं दिख गई, मैं तब तक उसके ऊपर चढ़ता गया और मैं टेकड़ी के ऊपर चढ़ गया। आई क्रॉस द सीमेंट पिलर्स एंड स्टोन स्टक बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कॉर्पोरेशन टू मार्क द बाउंड्री ऑफ द फॉरेस्ट कंपार्टमेंट। तो मैं जैसे जैसे आगे गया तो वहां पे सीमेंट के कुछ तो भी पत्थर वगैरह रखे थे, जो फॉरेस्ट डेवलपमेंट, जो जंगल विभाग होता है हमारा, जो वन विभाग रहता है वो रखता है ये बताने के लिए कि यहाँ पे जंगल की जो आप कह सकते हैं हद सीमा खत्म होती है। तो उसको क्रॉस करके लेखक आगे चल गया। टुक अनदर ट्री आफ्टर क्लाइंबिंग डाउन, वॉक्ड अक्रॉस अ ब्यूटिफुल महुआ ट्री लोडेड विद रेडिश ब्राउन लीव्स। The ground under the tree was clean very well. The thought instantly flashed in my mind, I had lost my way. Next moment I found another dusky trail. Hastily I took that trail, which took me from a narrow gorge to an open field. The area was surrounded by hillocks of dry deciduous tropical forest. I turned back to spot the sun. Now the geographical west was set. The dusky trail had vanished. Good heavens, I was lost. Completely lost in this jungle. That too at a very dreadful time. The sun was melting down like a fleeting runner. तो अभी क्या हो जाता है, लेखक कहते हैं कि राह में एक महुआ का पेड़ मुझे दिखाई दिया जिसके कत्थई पत्तों से वो लदा हुआ था। तो पेड़ के नीचे की जमीन जो थी वो साफ थी। ये देखकर दिमाग में एक ख्याल आया कि मैं रास्ता भटक गया हूं। दूसरे ही क्षण मुझे धुंधली पगडंडी दिखाई दी और उस पर मैं चल पड़ा तो वह एक संकरा मार्ग दो पहाड़ियों के बीच से गुजरे खुले मैदान में आ गया। यहाँ पे जो पहाड़ी थी वो उष्णकटिबंधीय पेड़ों से घिरी थी। अब मैं सूर्य को देखने लगा क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे सूर्यास्त होता है, बट ऑब्वियस वो पश्चिम दिशा होती, तो भौगोलिक रूप से पश्चिम दिशा कौन सी है ये तय करने के लिए मैं सूर्यास्त देखने लग गया। पर अब देखिए सूर्यास्त होने के कारण पगडंडी भी नहीं दिख रही थी। तो लेखक कह दे, हे भगवान, मैं तो रास्ता भटक गया था, और वो भी ऐसे समय जब सूर्यास्त हो रहा है, जब रास्ता दिख नहीं रहा है, उस समय मैं रास्ता भटक गया था। Soaked in my own sweat, I felt like shouting to my heart's content, but there was no other soul to listen to my sound in this wilderness. I had two bags with me, the Shabnam bag having the camera, and the other was a small colorful handmade bag used in villages to carry tiffin. The tiffin still had some stuff, but I didn't feel like having it. The blossoming boxwood trees, the bhoop bhoop sound of the cowkill bird, the song of robin bird, all appeared alien to me. तो यहाँ पे क्या हो गया कि मेरे को इतना पसीना आ गया कि मेरा हाल जो है वो बेहाल हो गया। ऐसा लगा कि मैं पूरे जोर से जी भर के चिल्लाऊं, पर मेरी आवाज सुनने के लिए वहां दूसरा कोई भी नहीं था। और मेरे पास दो बैग्स थी, एक शबनम, आपको पता होगा ना शबनम बैग क्या होती है, जो आप कंधे पे लटकाते हैं, वो वाली बैग। तो एक शबनम बैग थी जिसमें कैमरा था, और दूसरी हाथ में, मतलब आप कह सकते हैं हाथ से बुनी हुई टिफिन की बैग थी। उस टिफिन में थोड़ा सा खाना भी बाकी था, पर मेरा खाने का जी नहीं था। फूलों से लदा हुआ बॉक्सवुड, भूप भूप कोयल जैसी, मतलब जो कोयल जैसी एक चिड़िया रहती है उसको काउकल बर्ड कहते हैं, पर वो कोयल नहीं रहती। तो उस चिड़िया का आवाज और रॉबिन के गाने की आवाज मानो सब उसे अनजान या मुझे अनजान लग रही थी। इट वॉज मोर देन एन आवर एंड आई वॉज स्टिल देयर सर्चिंग फॉर अ सूटेबल ट्री टू क्लाइंब एंड गेट सिक्योर्ड। टर्न बैक टू द ट्रेल यू लेफ्ट, माई माइंड वॉज टेलिंग मी, बट देयर वर नो साइंस ऑफ द ट्रेल। आई हैड नो अदर वे टू क्लाइंब द हिलॉक बिफोर मी। देयर वॉज मोर हिलॉक्स एंड सम मोर राउंड द वन आई वॉज स्टैंडिंग। Near my feet were the dried up droppings of sloth bear, the sloth bear of Umarzara must be put out in open, snipping for food. I cautioned myself,
Thinking of averting all sorts of eventuality, I made a move. I ran down the hillock that I had climbed up at a frantic speed. The west was to my right-hand side now. The evening breeze flew through my wet, curled hair. My stomach was aching. I kept walking in hope. तो अब क्या हुआ कि एक घंटे से ज्यादा हो गया था, मुझे कोई सुरक्षित पेड़ नहीं मिल रहा था। मेरा मन कह रहा था कि मैं वापस उसी राह पर चल पड़ूं, पर अब तो पगडंडी भी नहीं दिख रही थी क्योंकि अंधेरा था। काफी पहाड़ियां वहां पे थी, पर उसी समय मेरे पैर के पास भालू का गोबर था। शायद वह भालू जो उमर जरा का जंगल से, मतलब आप कह सकते हैं उमर जरा के जंगल से बाहर खुले में भोजन की खोज में आया होगा। सावधानी से मैं आगे बढ़ा। मैं फटाफट उस पहाड़ी से नीचे उतरा। अब मेरी दाई ओर पश्चिम दिशा थी। ये कैसे पता चला? क्योंकि वहां पे सूर्यास्त हो रहा था। जिस जगह पे सूर्यास्त होता है, जिस दिशा में सूर्यास्त होता है, वो पश्चिम दिशा होती है। शाम की हवा मेरे घुंघराले बालों को मानो सहला रही थी। पीठ भी दुख रहा था, पर उम्मीद कायम थी और इसी उम्मीद के बल पे मैं आगे बढ़ रहा था। After around 50 steps, I found a bright red soil trail. I found my silver lining on this trail. There were marks of bicycle wheel on this trail. That was a big consolation for me. There must be a village nearby. I reassured myself. More questions resurfaced. How far is the village and where? In which direction? तो 50 करीबन 50 कदम चलने पर मुझे लाल मिट्टी की पगडंडी दिखाई दी। यह मेरे लिए एक उम्मीद की किरण थी। देखिए यहाँ पे जो ये वर्ड यूज किया गया है, सिल्वर लाइनिंग, सिल्वर लाइनिंग का मतलब होता है उम्मीद की किरण। मुझे इस बात का दिलासा था कि आसपास कोई ना कोई गांव तो जरूर होगा, पर अगला ही प्रश्न था कितनी दूर होगा, कहाँ होगा और किस दिशा में होगा। ये तो मुझे मालूम नहीं था, ये तो प्रश्न ही रह गए। I climbed one more hillock and tried to locate signs of human civilization. My legs were trembling as I reached the top of the hill. तो लेखक क्या कहता है कि कहता है कि मैं एक और टिकड़ी पर चढ़ मानव सभ्यता के मानव नामो निशान ढूंढो कि कोई वहां पे रहता है कि नहीं। मेरे पैर लड़खड़ा रहे थे। जैसे ही मैं ऊपर पहुंचा तब क्या हुआ, I jumped with joy. मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। I heard the sounds of the people talking in the loudspeaker. तो उसे क्या होता है कि कुछ लोग लाउडस्पीकर पर कुछ बोल रहे थे, वह सुनाई दिया। इन अ जीफी आई रैन डाउन द हिल टुवर्ड्स द साउंड विद फुल विगर। आई स्टंबल एंड फेल डाउन, सो ड्रॉपिंग्स ऑफ ब्लू बल्स नियर बाय, स्ट्रगल्ड, स्टूड अप, अनडिसाइडेड विच डायरेक्शन टू मूव ऑन। द साइंस ऑफ सिविलाइजेशन वर विजिबल, द टाइनी स्लीपी विलेज ऑफ पितजरी वॉज विजिबल थ्रू द ग्रीन वुड्स, द लालटन ऑफ राजी राम भालवीज फार्म, the loudspeaker installed for Keshav Balavi's marriage, all were in clear sight. Turn left to spot the village, lake and familiar hillock, Sui Hudaki, the dog barked to welcome me to the village. देखिए आखिर क्या हो जाता है? अगले ही क्षण मैं पूरी ताकत से पहाड़ से नीचे भागा। मैंने ठोकर खाई, गिर गया। वहां पे मुझे गोबर भी दिखा। मैंने खड़े होकर तय कर लिया किस दिशा में जाना है। वहां लोग होंगे। इस हरे जंगल में पिज़्ज़री का छोटा सा गांव दिख रहा था, जंगल से दिख रहा था। मतलब देखिए जंगल के अब उस साइड देखेंगे तो उधर गांव दिख रहा था, जहां पे दिख रहा था राजीराम भलावी के खेत का लालटेन, केशव भलावी की शादी का लाउडस्पीकर, सब कुछ साफ साफ दिख रहा था। बाई ओर गांव की झील और ये जो दिया है सुई हु दाकी की पहाड़ी, सब कुछ मुझे दिखने लग गया। द डॉग बार्क्ड, और मानो कुत्ते ने भौंक कर मेरा मेरे गांव में स्वागत किया हो। द फर्स्ट टाइम आई डिड वॉज टू टेक अ बाथ। द शेकिंग ऑफ लिम्स हैड लेसेंड अ बिट, द स्टमक एक स्टार्टेड अगेन, एट टू द फुल एंड देन स्लम्ड इनटू द कॉट। लाइंग अवेक लुकिंग एट द स्टार स्टडेड स्काई, आई स्पोक टू माई सेल्फ, देयर स्टिल एग्जिस्ट अ जंगल वेयर वी कैन गेट लॉस्ट, इजंट दिस अ गुड लक। तो सबसे पहले लेखक जब घर पे पहुंचता है तो कहता है कि मैंने सबसे पहले क्या किया होगा, तो मैंने सबसे पहले नहाया। पैर थरथराने थोड़े कम हो गए थे, पर पेट का दर्द वापस शुरू हो गया था, इसलिए मैंने पेट भर के खाना खाया और बाद में चारपाई पर ढेर हो गया। मैं ऊपर सितारों से भरा आसमान देख रहा था और खुद को कह रहा था, यहाँ एक और जंगल है जिसमें हम खो सकते हैं और ये हमारा भाग्य है। देखिए यहाँ पे कौन से जंगल की बात कर रहे हैं लेखक?
तो बट ऑब्वियस ये पूरे आसमान रूपी जंगल की बात कर रहे हैं, जहां पे आसमान है, तारे हैं और हम उसमें खो सकते हैं। ठीक है, दिस इज टेकन फ्रॉम सखा नागजीरा बाय किरण पुरंदरे। ये जो एक्सर्प्ट था, ये जो एक्सट्रैक्ट था, ये कहाँ से लिया गया है? सखा नागजीरा नाम की जो उनकी पुस्तक है, जो उनका पूरा आप कह सकते लिखी हुई चीज है, उसमें से ये एक भाग लिया गया है। हम दूसरे भाग के साथ वापस आएंगे अपने दूसरे वीडियो के साथ। अब तक के लिए इतना ही। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज डू सो, हिट द रेड बेल आइकन सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ द लेटेस्ट रिलीज एंड डू कमेंट इट इन द कमेंट सेक्शन टेलिंग मी वेदर यू लाइक दिस वीडियो और नो। बाय।